हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल इशू। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि फोर्टनाइट मोबाइल कैसे डाउनलोड करते हैं। जैसे कि आप इधर देख रहे हैं ये इस वाले ब्लॉक में, फोर्टनाइट मोबाइल है मेरे पास। अब देख लीजिए इसको कैसे मैं डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले ये आपको गूगल क्रोम में जाना है, क्लिक करना है और यहाँ पर फोर्टनाइट सर्च करना है, फोर्टनाइट मोबाइल सर्च करना है। और सबसे पहले ये ऊपर आ जाएगा, इसको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इपिक गेम का वेबसाइट पर, जिन जो इनके डेवलपर है उसमें एंड्रॉयड बीटा लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये वेबसाइट ऐसा खुल जाएगा, ये थोड़ा लोड होने में टाइम लेगा। और इसके बाद आप चाहें तो यहाँ से अपना डिवाइस को कंप्लीबिलिटी चेक कर सकते हैं। वैसे अगर आपका डिवाइस इसमें ना भी हो तब भी आपने चल सकता है, क्योंकि मेरा डिवाइस इसमें नहीं था, तब भी मेरे डिवाइस में दूसरे वाले फ़ोन में ये चलता है, लेकिन उसका नेम इधर नहीं है। मैं उसका नेम बताना चाहूँगा, लेकिन ये चलता है आप देख सकते हो वैसे। लेकिन अगर इसमें है आपका नाम तो आपने पक्का चलेगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है, आप दूसरे वेब पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएंगे, आपको देखना है। अगर आप में डाउनलोड स्टार्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पर आते हैं, आपको डाउनलोड स्टार्ट हो जाना चाहिए था। अगर नहीं हुआ है आपको तो यहाँ पर पहले, अगर पहली बार आप क्रोम से कुछ डाउनलोड करें तो आपको परमिशन आएंगे, तो ऐसा आएगा फोर्टनाइट बीटा। मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, इधर फाइल आएगा, मैं इधर सिंपली ओके पर क्लिक करना है आपको, ओके कर देना आपको। ये कुछ 4 या 5 MB का कुछ फाइल होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 4.5 MB का फाइल है, डाउनलोड हो गया। आपको इसको क्लिक करना है और इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपका कुछ ऐसा ऐप खुलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना, ये वाला ऐप आपके में सॉरी आपके फ़ोन में ऐसा ऐप आ जाएगा, ये वाला ऐप आ जाएगा, देख लीजिए ये वाला फोर्टनाइट इंस्टॉलर। इसको खोलना है आपको, ये 5 MB का ऐप है। तो और ये वाला ऐप है बहुत अच्छी, अच्छा किया फोर्टनाइट वालों ने, ये 5 MB का ऐप है, आपका डाटा लॉस नहीं होगा। ये ऐप के अंदर आप आके देख सकते हैं कि आपके वो गेम कम्प्लीमेंट मतलब आप में चलेगा कि नहीं गेम। तो ये वाला ऐप आपके फ़ोन को स्कैन करें और देखेगा कि गेम आप में चलेगा कि नहीं, और इसी ऐप से आप अपडेट करेंगे अपने गेम को। अगर कोई अपडेट आएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर यहाँ पर आपके मोबाइल में चलना होगा तो यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन बनेगा, या मेरा अपडेट का बन रहा है तो आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है और ये प्रिपेयरिंग होगा, उसके बाद ये गेम डाउनलोड होगा, गेम डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको डाउनलोड करना है, ऑलमोस्ट शायद 1 GB का डाउनलोड लेगा। उसके बाद आप डाउनलोड होने के बाद आप जैसा देख सकते हैं आपने ऐसा एक फोर्टनाइट का ये आ जाएगा, देख सकते हैं ये वाला ऐप आ जाएगा आपको। लेकिन ये वाला ऐप डिलीट नहीं करना है जिसे आपने इंस्टॉल किया, क्योंकि इसी से फ्यूचर का जो अपडेट होगा ये इसी से प्रोवाइड होगा। फिर आपको फोर्टनाइट खोलना है, अभी तक प्रोसेस कम्प्लीट नहीं हुआ फ्रेंड्स, आपको फोर्टनाइट खोलना है। फोर्टनाइट खोलने के बाद थोड़ा वेट करिए, इसको बूट अप होने दीजिए। ये एपिक गेम का आ चुका है, ये थोड़ा टाइम लेता है। तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट आया हुआ है, इसीलिए ये बोल रहा है मुझे कि अपडेट करने के लिए। तो इसको आप जब खोल लेंगे एक बार अंदर से, तो आप को अंदर से 4.2 GB का अपडेट करना पड़ेगा। यस फ्रेंड्स, 4.2 GB का अंदर से अपडेट करना पड़ेगा, मतलब टोटल गेम का साइज़ हुआ 5 GB के ऑलमोस्ट। मतलब फोर्टनाइट अगर आपको खेलना है तो आपको 5 GB देना पड़ेगा इसको सिंपली, ठीक है। और हर अगर इसमें अपडेट भी आता है तो 1 GB के नीचे का अपडेट नहीं आता है। तो अगर आपको इतने आपके पास डेटा है, आपके पास वाईफाई है, तो आप इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। मैं इसकी 1-2 वीडियो क्लिप भी डालूंगा, अभी नेक्स्ट आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, टाटा बाय बाय।